हे हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीजे टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज हम ये आईआर जो रिसीवर होता है वो किस प्रकार काम करता है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आईआर रिसीवर में तीन पिन्स होते हैं, उनमें से जो पहला पिन है वो हमारा होता है आईआर का, जो आईआर सिग्नल का होता है। दूसरा पिन ग्राउंड का, और तीसरा पिन जो है वो 5 वोल्ट या फिर 3.7 वोल्ट सप्लाई का। तो इसका इसका ये मतलब किस प्रकार से काम करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो मैं पहले आपको इस सर्किट में मतलब ये डायग्राम में आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो हमारा सर्किट है उसको हम बना के आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया आप देखिए, ठीक है। जो हमारा 5 वोल्ट का पिन है, 3 नंबर पिन, उसमें हमने बैटरी का 5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया है, और यही 5 वोल्ट जो हमारा LED है उसके प्लस में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड है, जो जो IR रिसीवर का जो 2nd नंबर का पिन है, वो हमारा ग्राउंड है। उस ग्राउंड को हमने बैटरी के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है, और उसके बाद जो हमारा IR सिग्नल का जो वायर है 1 नंबर वाला, उसको हमने LED के नेगेटिव पिन से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसका तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब हमारा IR सेंसर जो है वो काम कैसे करता है, जो हमारा रिमोट है उसमें से उसमें जो IR LED लगा हुआ होता है, और जो हमारा रिमोट का जो ये बटन्स के हर एक बटन में एक कोड होता है, कोड मतलब कि डिजिटल नंबर, जो हमारा 1 और 0 का कोड होता है वो होता है। जब हम मान लीजिए अगर हम 1 को प्रेस करते हैं तो वहाँ से सिग्नल आएगा 1 0 1 0 0 1, यह सिग्नल यहाँ लाइट के थ्रू मतलब फोटॉन्स के थ्रू IR सिग्नल के थ्रू यहाँ से पार होके जो हमारा रिसीवर है उसमें जाएगा। जाने के बाद वो फिर से यहाँ से निकलेगा, मतलब कि 1 0 1 0 1 0 0 1, ये सिग्नल यहाँ से निकलेगा, निकल के हमारा LED में जाएगा, और LED देखिएगा मतलब जलेगा बुझेगा, जलेगा बुझेगा, ऐसे कुछ ब्लिंकिंग करेगा, ठीक है। मतलब कि 1 मतलब होता है 5 वोल्ट इन, 0 मतलब होता है 0 नो वोल्टेज, देन 1 मतलब 5 वोल्ट, देन 0 0 मतलब नो वोल्टेज, 1 मतलब 5 वोल्ट, ऐसे तरीके से सिग्नल आता है, ठीक है। तो अभी तो आपको समझ में आ गया कैसे IR रिसीवर काम करता है। तो अभी हम इसको सर्किट बना के इसका सर्किट बना के आपको प्रॉपरली दिखाएंगे। तो चलिए, अभी आप देख सकते हो हमने वो जो नेगेटिव वाला वायर है वो हमारा IR सिग्नल के पिन के साथ कनेक्ट किया है। उसके बाद जो हमारा ये वाला पॉजिटिव वायर है उसको हम जो हमारा IR रिसीवर का जो पॉजिटिव पिन है उसके साथ डायरेक्टली सोल्डर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये सोल्डरिंग हो गया इसका। अभी हम जो हमारा बैटरी है उसको हम लगाएंगे। कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, अभी हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो आप देखिएगा, हम मैं अपने मोबाइल का लाइट ऑफ कर देता हूँ, अभी देखिएगा ग्लो कर रहा है, ये देखिए। तो यही था आज का प्रोजेक्ट।